आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर में चल रही सीवर की खुदाई को लेकर शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला बोधला स्थित पश्चिमपुरी रोड पर देखने को मिला, जहां सीवर की खुदाई करने के बाद संबंधित अधिकारियों ने सड़कों को बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर कर रही है। आगरा शहर में सड़कों का हाल बदहाल हो चुका है। आगरा शहर की पौश कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। उसके बावजूद भी संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। ऐसा ही मामला बोधला पश्चिमपुरी रोड स्थित मार्वल मंडी पर देखने को मिला, जहां आलम ये है कि सीवर खुदाई के बाद नगर निगम की अनदेखी के चलते क्षेत्र की सड़कें बदहाल की स्थिति में हैं। इसी के चलते राहगीरों और क्षेत्रीय लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि सड़क के किनारे बनी हुई नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। ऐसे में गंदगी से भरी नालियां बीमारियों को न्योता दे रही हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कई शिकायत लगाने के बावजूद भी अब तक लोगों ने प्रशासन व सरकार से उम्मीद लगाना ही छोड़ दी है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बदहाल पड़ी सड़क के चलते क्षेत्र में स्थित स्कूल के छात्रों को भी आने जाने में काफी कठिनाई होती है। मतलब स्कूल से निकल के आते हैं तो गाड़ी वाड़ी जाती है बगल में से निकल के, तो कीचड़ वीचड़ मतलब पैरों में लगती है, सलवा मतलब कपड़े बड़े गंदे हो जाते हैं। कितने टाइम से ऐसा है? टाइम हो गया ऐसे तो। टाइम हो गया। हाँ, ये बहुत महीनों से ऐसा हुआ है। बारिश के बाद सीवर लाइन की खुदाई हुई थी, इसके बाद क्या कि नालियाँ चौक हो गई, अब ये पूरा नाली का पानी आ रहा है। हमने जो ये आया था अपना सीवर का जो ठेकेदार था, वो एक दो बार आया था, लीपा पोती करके चला गया। आप लोगों को परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ, दो तीन बार तो गिर चुके हैं ये गड्ढे में, दो तीन बार आदमी गिर चुके हैं इसमें। ये गड्ढा ऐसे ही छोड़ के गए थे, ये तो नाली के पानी ने और इसको गहरा दलदल पैदा हो गई है। शहर में सीवर की खुदाई के बाद सड़कों की हालत बेहाल होती जा रही है। पानी का विकास न होने के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सड़क किनारे बनी हुई नालियां गंदगी से भरी हुई हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सीवर की खुदाई के बाद सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे व जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। सी न्यूज से गोपाल की रिपोर्ट।